हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैदराबादी पनीर मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आप सबके साथ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, अच्छे से कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे, हीट करेंगे अच्छे से पैन को। जब अच्छे से हीट हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे पनीर। ये लगभग 150 ग्राम पनीर डायरेक्ट मैंने डाल दिया है इसमें, अगर आप चाहें तो क्यूब्स में कट करके भी डाल सकते हैं। ऐसे डालने से पनीर का टेस्ट अच्छा आता है और पनीर सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। जब पनीर रेड हो जाए फ्राई होके फिर इसको मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में। ऐसे फ्राई करने से अंदर की तरफ से पनीर बहुत सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड नहीं होते, तो इसलिए ऐसे आप ट्राई करें। अगर ऐसे आप फ्राई कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लें। फिर जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने लगभग 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज बीच से कट करके डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर तीखी है तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं, ये मिर्ची इतनी तीखी नहीं थी इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च डाला है। अगर आप और तीखा पसंद करते हैं तो आप 3 डाल दीजिए, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। 15 से 20 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, इन सारे मिक्सचर को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। जब ये गोल्डन होने तक फ्राई हो जाए तो फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सर जार में। सबको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है अच्छे से तेल को छानते हुए। फिर यहाँ मिक्सर जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें लहसुन सॉरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, थोड़ी धनिया की पत्ती डालेंगे और इन सारे मिक्सचर को एक साथ ग्राइंड करके एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। फिर बचे हुए तेल में मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और थोड़ी दालचीनी। उसके बाद जो मिक्सचर ग्राइंड करके तैयार किया है उसको हम डाल के तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसको ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जब तेल और मसाला अलग अलग दिखने लग जाए तो इस स्टेप पे हम लगभग इसमें छोटे बाउल से या 3 से 4 चम्मच इसमें हम कर्ड ऐड करेंगे। दही को मैंने पहले से फेट के रखा हुआ था, फेट करके इसमें दही ऐड करना है और फिर दही को भी मसालों के साथ मिक्स करके अच्छे से जो पेस्ट हमने बनाया था उसको फ्राई किया हुआ है उसके साथ दही को मिक्स करके अच्छे से भून लेना है, और इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे पकाना है। जब तेल और इसमें भी मिक्सचर अलग अलग दिखने लग जाए, अच्छे से जब भून जाए, तो इस स्टेप पे हम इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करेंगे। जैसे इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और लगभग इसमें हम आधे से भी कम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, और ये सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। यहाँ पे मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी हल्दी और ऐड की थी, तो ये हल्दी और ऐड कर दिया है थोड़ा सा। और इसमें हम फिर लास्ट में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो लगभग 1/2 चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें और उसको ढक के अच्छे से मसालों को फिर से पकने दें। जब मसाला पक जाए सब कुछ अच्छे तरीके से तो फिर हम इसमें लगभग 1 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और उसको भी भून लेंगे अच्छे से, कुछ ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। फिर मैंने जो क्यूब्स रखे थे वो ऐड कर दिए हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम पनीर को मसालों के साथ और फिर ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे। मसाला अच्छे से पक गया है, पनीर भी उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये कुछ ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।